जय श्री महाकाल। हरिहर। हर मानव ने आज तक जो भी डिसीजंस लिए हैं, निर्णय लिए हैं, भ्रमित अवस्था में होते हुए, अनकॉन्शियस होते हुए, वो सिर्फ फेक डिसीजंस लिए हैं। और फेक डिसीजन से फाइट डिसीजन की तरफ में चला गया, और जो कि आज तक का ब्लंडर मिस्टेक रहा मानव जाति का, और खुद भी कोलैप्स हुआ और दूसरे को भी तोड़ा। तो आज तक क्या हो रहा है? पूरे युद्ध हो रहे हैं, युद्ध की तैयारी हो रही है या युद्ध ही हो रहा है पूरी मानव जाति में। आज घरों में या बाहर में ले लो, घर में ले लो, नगर में ले लो, शहर में ले लो, राज्य में ले लो, देश में ले लो, एक से दूसरे देश, दूसरे के देश से लड़ाई पर लड़ाई करी जा रही है। युद्ध की तैयारी हो रही है, युद्ध कर रहा है, युद्ध की तैयारी हो, घरों में भी यही बवाल मच रहा है। स्टार्टिंग तो आंतरिक से होता है, स्टार्टिंग स्वस्थिति से होता है और परिस्थिति में आता है, ये बात निश्चित आ जाए मानव सन में। क्योंकि मानव अनकॉन्शियस में होते हुए ही मानव गलत डिसीजन लेता है, और जिस कारण से वो डिसीजन ब्रेकर में हो जाता है, और डिसीजन ब्रेकर ही आखिर में जाके कोलैप्स होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, मानव जाति को आना था कॉन्शियस डिसीजन मेकर की तरफ, वो डिसीजन मेकर बनाना है जो मानव को कनेक्ट करे, जो मानव को एक करे आंतरिक स्वरूप में, जो कि रियल टू राइट डिसीजंस होंगे, रियल डिसीजंस होंगे और राइट डिसीजंस होंगे, ये बात निश्चित है। और तभी मानव जाति एक होगी, और वही वैभव है, वही स्प्लेंडर है, वही मानव को एक करेगा, वही करेक्ट है, करेक्ट ही कनेक्ट करता है, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है, और मिस्टेक ही डिसकनेक्ट करता है, ये ध्यान रख लीजिए। ठीक है, तो अब मानव जाति की क्या स्थिति चल रही है? अभी तक पूरी मानव जाति ने क्या किया? पूरे फेक डिसीजंस लिए हैं। जो भी आज शिक्षा हो रही है और आज जो भी डिसीजन ले रहा है, आदमी लेता है निर्णय, डिसीजंस लेता है सुखी होने के, पर पूरी मानव जाति आज हो रही दुखी, कष्ट में हो रही, संकट में हो रही, भय में हो रही, शंका में हो रही है, विरोध में हो रही है। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि मानव ने डिसीजंस गलत लिए हैं, क्योंकि बुद्धि विकृत है, अभी वो बुद्धि अनकॉन्शियस है, इसलिए पूरे डिस्टेंस लिए जा रहे हैं। मानव को लग रहा है कि बाहर बहुत अच्छा अच्छा विकास हो रहा है, आंतरिक में दो कौड़ी का नहीं हुआ है, ये बात समझ लिया जाए। बाहर से हमको लगता है कि बहुत अच्छे कपड़े पहन लिए तो मानव अच्छा मानव दिखने लगा, मानव दिख रहा है पर मानव हुआ नहीं है, ये बात क्लैरिटी में आ जाए। बात ना विचारों में ना व्यवहारों में, तो इसलिए बात निश्चिंता में आ जाए कि मानव ने जो भी डिसीजंस लिए हैं अनकॉन्शियस में होते हुए, भ्रमित अवस्था में होते हुए, वो सिर्फ और सिर्फ मानव ने फेक डिसीजंस लिए हैं। यदि मानव ने फेक डिसीजंस लेता है तो ध्यान रखना, कोई भी डिसीजंस लेता है, अपने करियर से रिलेटेड, अपने फैमिली से रिलेटेड, अपने
प्रोफेशनली से रिलेटेड, अपने पर्सनली से रिलेटेड जो भी डिसीजंस लेगा वो सिर्फ और सिर्फ उसमें डाउट पैदा होना चालू हो जाएगा तुरंत। जो भी डिसीजंस लेगा उसमें डाउट होना चालू हो जाएगा, और डाउट होना चालू हो जाएगा भले वो कितने भी बड़े प्रोफेशनल हो गए होंगे। आज लता मंगेशकर खुद ही डाउट कर रही थी कि मैं अगले जन्म में मेरे को नहीं बनना है लता मंगेशकर। लता मंगेशकर से बड़ा अपने फील्ड में कौन सक्सेस हो सकता है बताओ? 50,000 से ज्यादा गाने गाए और मरते समय दुखी थी कि मेरे को अब अगले जन्म में सिंगर क्या मानो ही नहीं बनना, इतने दुखी पीड़ित हो गई वो। सबसे ज्यादा नाम कमाया, सबसे ज्यादा काम किया और सबसे ज्यादा दाम कमाया अपने प्रोफेशनल में, मिला क्या? आंतरिक में पूरी दुखी रही, पीड़ित में रही। तो पूरे ये बात बता दिए जाए ये क्लैरिटी रूप में कि मानो जो भी अपने करियर से रिलेटेड डिसीजन दे रहा है क्या कहां पहुंच रहा है पहले देख लो। ऊपर में जो ऊपर बैठा वहां पे जो सबसे टॉप में जो पहुंच चुका है देखो उनकी हालत क्या सच्चाई है आंतरिक स्वरूप में। तो ये बात क्लैरिटी में आ जाए कि मानव जाति आज जो भी फेक डिसीजंस ले रही है उसमें डाउट होगा ही होगा। अब डाउट हो रहा है तो ध्यान रखिए धीरे से उसमें रेजिस्ट आना चालू हो जाएगा। उसमें जहां डाउट हुआ वहां विरोध चालू हो जाएगा मानव का, जहां शंका होती वहां विरोध चालू हो ही जाता है अपनों या परायों में। और फिर विरोध चालू हो जाता है तो फिर उसके बाद रजिस्ट के बाद ही मानव के बाद उसमें क्या होता है मानव जाति में हेटनेस चालू हो जाती है, घृणा पैदा हो जाती है, फिर मानव घृणा करने लग जाता है अपनों या परायों से। अब घृणा पैदा हो जाती है तो ध्यान रखिए एक बात हम बताना चाह रहे हैं कि कभी भी कि मानो जब डाउट करना चालू करता है तो वो इग्नोर करता ही है, ठीक है। इग्नोरेंस से ही पूरा मानव जाति में रजिस्ट पैदा होता है और रजिस्ट से फिर पूरी मानव जाति में आती पूरी बात हेटनेस में, यहां पे आती पूरी घृणा, अपने अंदर ही घृणा चालू हो जाती दूसरों में। अब यदि घृणा पैदा हो रही है तो क्या होगा? बाहर से बहुत अच्छी आवाज आ रही है, बहुत अच्छा बोल रहा आदमी, अंदर तो पूरी घृणा है। क्या निकलेगा आउटपुट? ये सच्चाई देखो, बाहर से मानो बहुत अच्छा दिख रहा है, अंदर पूरी घृणा बैठी पड़ी है। अब क्या डिसीजन लेगा वो? और लेगा भी तो आधा दूर रह जाएगा, बात निश्चित है। और हेटनेस से फिर मानव जाति में क्या पैदा होता है? मानव जाति के अंदर होता है एंग्रीनेस, फिर क्रोध चालू होता है, अपने अंदर क्रोध पैदा होता है। और जैसे ही क्रोध बढ़ता है फिर मानव जाति में फिर वो एक दिन फूटता है। मानव के अंदर बहुत सारा क्रोध रहता है अंदर, क्या है अंदर चल रहा है देखो जरा उनके आंतरिक में, मानो के अंदर क्रोध चल रहा है। और फिर एंग्रीनेस क्रोध से ही फिर मानो जाता है फाइटनेस की तरफ, फिर लड़ाई की तरफ में आता है, युद्ध की तरफ में आता है। और युद्ध का फिर परिणाम तो पता ही है, युद्ध का परिणाम होता है सिर्फ कॉलेप्स, तोड़ना और टूटना, टूटना और तोड़ना। आदमी खुद ही बम बन के फूटता है और दूसरों को फोड़ देता है, यह सच्चाई है। तो
तो ये बात हमको क्लैरिटी में आ जाए बात कि अनकॉन्शियस में मानव आज तक सुखी नहीं हुआ है, ना है ना होगा, न शांति में हो सकता है, न संतोष में हो सकता है, ना आनंद में हो सकता है। अब कितना भी लगा लो, पैसा कमा लो, काम कमा लो, दाम कमा लो, काम कर लो, ये बात निश्चित है। तो पहले क्या होना है ये क्लैरिटी हो जाए, फिर आगे बात है। तो मानो कॉन्शियस होके ही, मानो कि जब चेतना जागृत होगी तभी मानव कॉन्शियस डिस्टेंस ले पाएगा, जागृत डिस्टेंस ले पाएगा, तभी मानव जाति रियल डिस्टेंस लेगी। क्या एक्चुअली करना है पूरी मानव जाति के लिए, क्या आवश्यकता है, वॉट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन देयर लाइफ, what is the real requirement, what is the real distance, they will take it। तो मानो कॉन्शियस होके ही रियल डिस्टेंस लेता है, और रियल डिसीजंस लेके ही मानव क्लियर होता है, ये बात निश्चित है। और क्लियर डिसीजंस लेने के बाद ही मानव जाति में एक्सेप्टेंस होता है, फिर स्वीकृति आती है, और एक्सेप्टेंस के बाद ही मानव जाति में फिर फुलफिलमेंट का प्रोग्राम चालू होता है, फिर तृप्ति का प्रोग्राम चालू होता है, फिर सेलिब्रेशन होता है। सेलिब्रेशन में आदमी तृप्त होके सेलिब्रेशन करता है और दूसरों को भी तृप्त करता है, और सेलिब्रेशन होते ही आदमी, उत्सव होते ही फिर जीवन में प्रेम प्रकट होता है। उत्सव नहीं हुआ तब तक प्रेम नहीं हो सकता, उत्सव होते ही फिर जीवन में प्रेम आता है, और फिर प्रेम बढ़ता है, और जब प्रेम बढ़ता है फिर शांति आती है। क्या आती है, तब फिर शांति आती है, ये पूरा क्रम वाइज है। फिर पीस आता है, और पीस आने के बाद ही फिर जीवन में मानव जाति को, मानव जाति में राइट डिस्टेंस होते हैं, और राइट डिस्टेंस होने के बाद ही मानव कनेक्ट होता है। जब तक शांत नहीं होगा, जब तक सही में एक नहीं होगा, तब तक कनेक्ट नहीं हुआ, तभी कनेक्ट होगा, बात निश्चित है। और यही होना है हर मानव जाति को, यही होना है, क्लैरिटी में बता दिया जाए बात, ये बात समझ में आ जाए पूरी मानव जाति को कि अब मानव को सुखी होना है, शांति में होना है, संतोष में होना है, आनंद में होना है, तो इसी कॉन्शियस में होके ही डिस्टेंस लेने होंगे। तो पहले कॉन्शियस होना है, आदमी उठपटांग डिसीजन लेके और कोई मार्ग में पहुंच जाता है, फिर और समय बीत जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, फिर क्या खाक डिसीजन लेगा आदमी, मृत्यु सामने है अब तुम डिसीजन लोगे, अरे भैया अभी डिसीजन लेने का टाइम है, आज ही समझना है, कल नहीं होता, समझना आज ही होता है, जीना भी आज होता है, समझाना भी आज होता है, ये बात हमको क्लैरिटी में आ जाए। तो आदमी उलझता कल की बात को लेकर, और कल क्या होगा और कल क्या है उसको लेकर उलझता है, और उसको लेके जिंदा रहता है पागल समान, और उसके लेके फिर आदमी क्या करता है, उजाड़ता है और उलझाता है। तो इसलिए याद रखिए, अपने निर्णय आज तक क्या हुए, मानो ने जो भी डिस्टेंस लिए हैं वो सुखी होने के लिए लिए हैं, मगर आज तक सुखी नहीं हुआ,
वो दुखी और होते चले गए। तो उम्र बढ़ रही तो क्या हो गया, दुख बढ़ रहा है ना, उत्सव घट रहा है। उम्र बढ़ रही तो उत्सव घट रहा है ना। तो ये तो आदमी अपना मापदंड कर ले, अपना अपना कैलकुलेशन कर ले सही तरीके से कि भाई ये कहां पहुंच रहा है और क्या हो रहा है। तो आदमी जुड़ नहीं पा रहा, आदमी टूट रहा है। तो डिसीजंस हमको ऐसे लेने हैं कि जो कि मेक हो, बनते चले, जुड़ते चले, ना कि ब्रेक हो। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।